भाई पढ़ लेंगे कैमरा तो कह रहे हो क्या है? इसे कहते हैं भीमसेन नास, बहुत बड़ा पत्थर है और इसका जो नेम है भीमसेन नास। और यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, एयरटेल का सिग्नल यहाँ से आ सकता है, पर ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। टूर गांव सर बस 1-1.5 किलोमीटर और हमें माउंटेन्स जो है पहली डली नजर आ रही है। पहली डली पर हम पहुंचने वाले लमदल की, और हमारे साथ अनुपम शर्मा ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर ली है यहाँ पे जाके। थैंक यू सो मच। तो आप सामने देख रहे हैं ये जो मॉरिन एरिया जो आपको दिख रहा है, यही एक्चुअल में लमदल का पहला जो पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग मिनिमम 1 या 1.5 किलोमीटर और हमारा बचा है, विद इन आवर हम लोग धीरे धीरे चल के हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये मॉरिन एरिया जो है, यही एक्चुअल में लमदल का पहली लेक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, अंदर की ओर पहली लेक है। उसके बाद आप 7 लेकों का सफ़र इसके बाद तय कर सकते हैं। मैं नरेंद्र सिंह संधू अनुपम के साथ 2 सितंबर 2022 को लमदल यात्रा में। थैंक यू। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट जो फर्स्ट लेक है यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। थोड़ी सी बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम डिले हो गया, हमने थोड़ा स्लो चले क्योंकि थोड़ा बारिश काफ़ी हैवी हो गई थी। तो अभी कुछ बारिश रुकी है तो हमने डिसाइड किया कुछ काफ़ी लेते हैं। तो आप एक बार व्यू देखिए, कितना ऑसम व्यू। ये वो रास्ता है जो कनीकोट से हम लोग आए थे, और यहाँ माता का मंदिर है, इसका आप झंडा देख रहे हो। इसको क्रॉस करने के बाद हमने यहीं से रास्ता लगा के लमदल के फर्स्ट डल तक है। जब आप पहली डली के पास पहुँच जाओगे तो यहाँ के कुछ नौजवान साथियों ने हिम्मत करके यहाँ पे अपने चाय पकौड़े का एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है। चाय थोड़ी सी महंगी रहेगी, पकौड़े भी महंगे रहेंगे, मगर यह है कि आपको बॉडी को एक एनर्जी चाहिए होती है, वो आपको मिल जाएगी। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए कितनी टफ कंडीशन में ये लोग पकौड़े चाय, देखो कितना कैसे सामान पहुँचाया होगा और कैसे इन लोगों ने चाय वगैरह बना दी। गुड।
पहली गली के पास हम पहुंच चुके हैं और बहुत धुंध जो छा रही है, इसमें आपकी सेकंड थर्ड डल से ऊपर यही रास्ता आपका लंदन के लिए है। स्वागत है आपका लंदन में। ऑसम एंड ब्यूटीफुल हेवन। हम अभी लंदन में पहुंच चुके हैं। धुंध पड़ने के कारण हमें जो है ट्रैक नहीं दिख रहा है अभी, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये जो आपकी रेंज है, ये लंदन है, पहला डल, दूसरा डल, इसके ऊपर तीसरा डल, उसके ऊपर चौथा डल। तो मैं नरेंद्र सिंह संधू अपने फ्रेंड अनुपम शर्मा के साथ, और मिस कर रहे हैं अपने सर राठौर सर को। सर आप होते तो और भी मज़ा आ जाता। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ। पहली गली में आपका स्वागत है। ये पहली डल का जो ब्रिज है इसको क्रॉस करते हुए बारिश होने के कारण ये दूसरी लेक आपको बताई जा रही है। काफ़ी बारिश है, ये स्मॉल लेक्स हैं। स्वागत है आपका तीसरी गली, तीसरा डल, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। टेंट लगे हैं और रहने की कोई दिक्कत नहीं। और यह तीसरा डल, अभी हम लोग बारिश बहुत हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग लंगर में पहुँचते हैं। लामडल का तीसरा डल जो है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये हमारे गांव से लोगों ने यहाँ पे लंगर लगाया है। दरवाला, मरोथा, सुनारा और आसपास के जो लोग हैं, ये सारे सेवादल और कुछ हमारे लोग हैं जो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लंगर का। तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो यहाँ पहुँचते हैं। और अभी इतनी स्नोफॉल, हैवी रेन, रेन में आप इतना एंजॉय करें और इतनी अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट यहाँ पे किया है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लंदन आए और लंदन आए और हर एक फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है सबको। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं अभी हम लोग लंदन के थर्ड डल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। अभी थोड़ी देर में काफ़ी बारिश का यहाँ आलम था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इतनी बढ़िया वो निकल गई है, धूप निकल गई और इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर की आप पूछिए मत। और ये साथ में देख सकते हैं लंदन है, थल डल, थल लेक, और ये ऑसम भी। लंदन में तीसरे डल के पास काफ़ी टेंट और अरेंजमेंट हुआ है और ये लोग टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी लग्जरी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा।
मैं देखिए, मेरा नाम हरगोपाल उर्फ हैप्पी, मेरे अपनी फर्म है दरवाला में अमर ट्रेडर के नाम से। आज फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि प्रशासनिक तौर पर इस यात्रा को इनको पंचायत वालों को या जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय तौर पे रजिस्टर करना चाहिए, ताकि प्रशासनिक, मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये अपने मनु जी हैं, ये 5-7 सालों से यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं, इनके साथ 2-4 आदमी और जुड़े हुए हैं। एक यहाँ बरेई पंचायत के कुछ लड़के हैं, वो लगा रहे हैं लंगर, और 2-3 लंगर मैंने नीचे देखे। उसमें मैंने मेन ये देखा कि अगर दोनाली से ऊपर तक किसी को किसी भी प्रकार की मेडिकली फैसिलिटी नहीं है, किसी भी प्रकार की, चलो हम मानते हैं कि रजिस्टर नहीं है, लेकिन हमारा आग्रह है कि आने वाले टाइम पे ये यात्रा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और प्रशासन के द्वारा जो भी किसी भी प्रकार की, जैसे जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक कोई भी हेल्प मिलती है, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो यात्रा के, जैसे मणिमहेश की यात्रा है, तो उसमें जो जो सरकार अपनी फैसिलिटी देती हैं, जो जो अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हैं, जो अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, वो मिलनी जो जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिलेगी तभी बाहर से यात्री आएंगे, उनको पता चलेगा कि नहीं, रास्ते में अगर कोई दिक्कत होती है, अगर किसी को सांस लेने की तकलीफ है, कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम है, तो या ना तो किसी के पास कोई भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है यार। सबसे पहले एक ये देखा, और रास्ते में 2-3 शेड जो है वो जरूर बनाने चाहिए, रहने का बंदोबस्त एक यहीं पर है और एक नीचे है बस, और कहीं पे भी नहीं है। तो बस यही है मेरा आग्रह, अपने आप जो अपना बना रहे हैं, कि किसी के माध्यम से यही मैसेज है हमारा कि सरकार के द्वारा ये जो बात है कहीं ना किसी के जरिए पहुंचे, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में सरकार सोचे। जय शंकर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर लांदा मत, आ जा, चार अपनाती है, चार दलील है, माजर दलील है। तो अभी हम लोग भेजा, अभी हम लोग लमदल थर्ड लेक के पास चाय बना रहे हैं अपने टेंट में, छोटा सा टेंट हम लोगों ने लगा लिया है। तो औसम, अभी मैं, रणपम, बबलू और राजू, अभी हम चाय का आनंद लेंगे, और कुछ टाइम के बाद हम लोग और आनंद लेंगे। देखिए हमारी जो है गैस, चाय, गैस, जरा गैस को आप दिखाएं, थोड़ा सा गैस, हाँ गुड, ये हमारी चाय बन गई। ये स्पेशल हमने सिलेंडर खरीदा था, मैंने और अनुपम ने, अपने कैंपिंग के लिए। अरे गुड, तो अभी ये चाय बन रही है हमारे टेंट में, सिलेंडर हमारे लोगों ने इतनी मेहनत करके उठाया सिलेंडर। तीसरे डल के बाद हम चौथे डल पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही पांचवा डल, और ये ऊपर क्रॉस करने के बाद लास्ट जो 6वां और 7वां डल। आप देखिए इतना हैवी लगेज से हमने ये सिलेंडर उठाया, और इस सिलेंडर में हमने इलायची डाल के लम डल की तीसरी डली में। धन्यवाद। कांति यह है 5वां डल। हेलो दोस्तों, आज सुबह के 6:30 हो चुके हैं, और मैं और अनुपम जितना जल्दी हो सके आज नहा कर वापस आने की कोशिश करेंगे, और आज शायद हमारी कोशिश रहेगी हम लोग बैक टू चंबा या बैक टू अपना ऑर्चर्ड, बट लेट्स सी क्या बनता है, कितना जल्दी हम ऊपर से आ जाते हैं। 1 बजे तक अगर आ गए तो हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे। तो अनुपम भाई कैसी फीलिंग है? बहुत बढ़िया। लमडल 7वें लेक पर जाने की बहुत बहुत एक्साइटमेंट। चलो